इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 178 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की सीमा के पास घने जंगलों में छुपी हुई एक रहस्यमय पहाड़ी है, जहां आपको बहुत बड़ी और अद्भुत मूर्तियां मिलेंगी। ये जगह है उनाकोटी, जो कीवदंतियों से भरा जादुई स्थान है। उनाकोटी की पहाड़ियों में सैकड़ों अद्भुत मूर्तियां हैं, जिनमें भगवान शिव के अलावा अन्य कई हिंदू देवताओं की मूर्ति चट्टानों में उकेरी गई है। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये मूर्तियां कब बनाई गई थी, क्योंकि इन पर बहुत कम शोध हुआ है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये मूर्तियां 8वीं और 9वीं सदी की रही होंगी। ये पहाड़ियां स्थानीय आदिवासियों के लिए पवित्र मानी जाती हैं और कीवदंतियों से भरी हुई हैं। एक बहुत मशहूर कहानी ये है, जिसमें कहा गया है कि भगवान शिव सहित 1 करोड़ देवी देवता इसी रास्ते से होकर काशी यानी बनारस जा रहे थे। थके हुए देवी देवता आराम करने के लिए रात को यहीं ठहर गए थे। भगवान शिव रात को रुकने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि सुबह होने से पहले सभी इस जगह को छोड़ देंगे। लेकिन सुबह होने पर कोई भी देवी देवता जाग नहीं पाए। भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया और सबको वहीं छोड़कर चल दिए। वो सब वहीं पत्थरों में जम गए। एक कहानी कुछ इस तरह भी है कि ये सारी मूर्तियां एक स्थानीय मिस्त्री ने भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती को खुश करने के लिए बनाई थी। उस मिस्त्री ने कसम खाई थी कि वो एक रात में 1 करोड़ मूर्तियां बनाएगा, लेकिन जब सुबह हुई तो 1 करोड़ में से एक मूर्ति कम थी। इसीलिए इस जगह का नाम उनाकोटी पड़ा, यानी 1 करोड़ से एक कम। हालांकि यहाँ कुल कितनी मूर्तियां हैं, ये आज भी एक विवाद का विषय है। ये पहाड़ियां स्थानीय तिब्बत बर्मा के आदिवासियों के लिए तीर्थ स्थान है। शताब्दियों से ये लोग हर साल यहाँ सैकड़ों की संख्या में प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान के लिए जमा होते आ रहे हैं। हर साल यहाँ अशोकाष्टमी के दिन यानी हिंदू महीने चैत्र की 8वीं तारीख को बहुत मशहूर अष्टमी या उनाकोटी मेला लगता है। स्थानीय आदिवासियों के लिए उनाकोटी के कुंड में डुबकी लगाना भी उस मेले का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। मूर्तियों की इतनी बड़ी संख्या के बीच सबसे ज्यादा चर्चित है चट्टान में उकेरी हुई भगवान शिव की ये 30 फुट ऊंची मूर्ति, जिसे उनाकोटीश्वर या काल भैरव के नाम से जाना जाता है। इस मूर्ति का मुकुट ही 10 फुट लंबा है। इस मूर्ति में भगवान शिव के दोनों तरफ महिलाओं की कई आकृतियां उकेरी गए हैं, जिनमें देवी दुर्गा और देवी गंगा है। शिव के बैल नंदी की भी जमीन में आधी धसी मूर्ति भी है। इसी के साथ भगवान गणेश की मूर्ति भी यहाँ दिखेंगी। यहाँ एक प्लिंथ और ईंटों के अवशेष भी मिले हैं। अफसोस इस बात का है कि इतने बेहतरीन सबूत होने के बावजूद इस अद्भुत उनाकोटी के बारे में बहुत कम जानकारी मौजूद है। शताब्दियों से हो रही अनदेखी की वजह से ये चट्टान कला काफी बर्बाद हो चुकी है और इसके कई अवशेष गायब भी हो चुके हैं। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ काफी सुधार किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ करना बाकी है। इन अद्भुत मूर्तियों की सच्ची कहानी सामने लाने के लिए यहाँ और खुदाई और रिसर्च की सख्त जरूरत है।